फ्रेंड्स, आज 5 जून 2021 को बीजेपी के लीडर और आरएसएस के लीडर की मीटिंग हुई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि अगला जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, वो योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाए। ये विश्व सूत्रों से पता चला है, जो अंदर की बात। आप सबको पता है कि ये सारा सिनारियो कब से शुरू हुआ, जब से योगी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम है जो, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का फोन नहीं उठाया 24 घंटे तक, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया उनका। इसके एवज में तुरंत आरएसएस के जो सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने एकदम इस पर एक्शन लिया और अपना लखनऊ में आकर इनसे बात की और सारा इसको मैटर को समझा और अपने एक डेप्यूटी बीएल संतोष को अपना इसका मैटर को सॉल्व करने के लिए भेजा। क्योंकि जो आरएसएस का जो एजेंडा है कि 2022 में राज्यसभा की मेजोरिटी लानी है और 2025 में मनुस्मृति लागू करनी है, वो उसमें ये एक तरह से फेल होते हुए नजर आए। लेकिन ये आज ये सारा विश्व जो अंदर की बात है, अंदर सूत्रों से पता चला मीटिंग में कि योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा अगला इलेक्शन। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो सिनारियो है, बहन मायावती ने कल लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटीज के तहत बाहर कर दिया। लालजी वर्मा, जिनके बारे में जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं घनश्याम खरवार, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि ये अपनी वाइफ को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और इनडायरेक्टली अपना समाजवादी पार्टी से इनका कॉन्टैक्ट था, और राम अचल राजभर वो भी समाजवादी पार्टी के कॉन्टैक्ट में थे, तो बहन मायावती ने उसको इनडिसिप्लिन के तौर पर देखा और दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके साथ साथ एक सिनारियो और भी है, एक रिपोर्ट और भी है कि आरएसएस ने, जब से योगी ने मोदी का फोन नहीं उठाया 24 घंटे तक, आरएसएस ने अपना सारा रिपोर्ट मांगी अपनी आरएसएस की यूनिट से, लखनऊ में जो यूनिट है, और सारा सर्वे से पता कराया कि जिसमें बीजेपी जो इस टाइम सिर्फ 65 सीटें जीत सकती है, जिसने 312 सीटें निकाली थी 2017 में, और समाजवादी पार्टी तकरीबन 180 सीट जीतने की पोजीशन में है, और बीएसपी तकरीबन 150 सीट जीतने की पोजीशन में है। जो सिनारियो है, आरएसएस को एकदम ही अपना एक इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ा इस पे, जब ये हालत है, क्योंकि ये हालत पिछले 2 महीने से हुई, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, जिस तरह से गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई और प्रयागराज में जिस तरह से कफन उनसे उतारे गए लाशों पे, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लहर बह रही है इस टाइम। अब हालात ये हैं आरएसएस के लिए, उनको योगी के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 4.25 साल से योगी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अपना सिक्का जमा चुके हैं, किसी को उसकी उनको हटाना तो उनके लिए और भी मुश्किल पैदा कर देगा। जो बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी 2007 में, वो उससे भी डाउन हो जाएंगी इनकी। तो सारा सिनारियो ये है कि जो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है, इसमें एसपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से आगे चल रही है सर्वे में, और बीजेपी पूरी तरह से डाउन में पहुंच चुकी है। तो बीजेपी को, आरएसएस को पूरा ही पूरी तरह से एक्शन लेना पड़ा है। अब योगी को अपना, इनको अपना उसके नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनवरी में अरविंद शर्मा को, जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके गुजरात में ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अपना यहाँ पे उत्तर प्रदेश भेजा,
उनको बाद में एमएलसी बनवाया गया, लेकिन पिछले 5 महीने से उनको किसी भी तरह का कोई डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। हालांकि मोदी जी चाहते थे कुछ कंट्रोल हो तो यूपी के ऊपर, लेकिन वो भी योगी ने नहीं होने दिया। अब सिनारियो ये है कि या तो बीजेपी योगी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े और अपनी इमेज को बचाए, अदरवाइज बीजेपी की 65 सीटें ही आने वाली हैं। और अगले तीसरी उसमें हंग असेंबली आ रही है जिसमें एसपी या बीएसपी कोई भी पार्टी इसमें गवर्नमेंट बना सकती है। बहुत से जो उत्तर प्रदेश के जो जिनको तथाकथित वो कहा जाता है एक्सपर्ट जो कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया बीएसपी तो खत्म हो चुके, लेकिन ये नहीं पता बीएसपी ने अंदर ही अंदर बहुत अच्छी तरह से अपना इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से अपना कमर कसी हुई है और पूरी तरह से उनका साइलेंट कैंपेन जिस तरह से चल रहा है, बीएसपी को कम आंकना एक तरह से बेवकूफी है किसी भी जो पॉलिटिकल पंडित है। तो सिनारियो ये है एसपी और बीएसपी में अगली गवर्नमेंट कौन बनाएगा, और बीजेपी को अपने आप को पिछले अगले 8 महीने में अपने आप की इमेज को चेंज करना है, नहीं तो 65 से ज्यादा सीटें नहीं निकल रही बीजेपी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।